अस्सलामुअलैकुम दोस्तों, सिस्किम में मस्जिद रायन रेजिडेंसी के बाहर हमारी ये भूख हड़ताल जो दोपहर 1 बजे के बाद से शुरू हुई थी, लगभग 10 से 11 घंटे इस भूख हड़ताल को होने को आए हैं। यहाँ के मोहल्ले वाले सभी यहाँ पर मौजूद हैं। यहाँ पे महिलाएं, नौजवान और बुज़ुर्ग ख़ास तौर से भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। 87 वर्षीय हाजी अब्दुल कयूम साहब यहाँ पर भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनकी हालत भी जो है वो देखने में, स्वास्थ्य भी इनका जो है वो ठीक नहीं लग रहा है। ना कोई मेडिकल टीम अभी तक इनकी जांच के लिए आई है, ना प्रशासन की ओर से कोई इनके संज्ञान के लिए आया है या इनकी तबीयत पूछने के लिए आया है। आइए हम यहाँ के लोगों से जानना चाहते हैं कि आप लोग भूख हड़ताल पर बैठे हैं, टेम्परेचर भी है जो वो धीरे धीरे गिर रहा है, सर्द हवाएँ चल रही है, तो क्या आप ऐसे में भी भूख हड़ताल पर जो है वो अड़े रहेंगे, और क्या आप इस स्टेज के ज़रिए से कहना चाहते हैं? जी, हम तो यही कहना चाहेंगे कि राजस्थान के वक्फ बोर्ड के चेयरमैन क्या हो गया, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। इतने इतने बड़े बुज़ुर्गों को आज भूख हड़ताल पर बैठना पड़ रहा है, सर दवाएँ चल रही है, 87 वर्ष के हैं, दोबारा भूख हड़ताल पर बैठे हैं, और इनकी जो दयनीय स्थिति है वो देखिए। लेकिन अफसोस की बात है कि राजस्थान की सरकार गूंगी बहरी हो गई है। राजस्थान के लोकप्रिय मुख्यमंत्री अशोक गहलोत साहब की इतनी बेहतरीन योजनाएं, इतना अच्छा काम, उन सब पर पानी फेर रहा राजस्थान वक्फ बोर्ड के चेयरमैन। तमाम स्कीमें और तमाम जो अच्छी गतिविधियां थी राजस्थान के मुख्यमंत्री, जो लोकप्रिय मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत साहब, उनके किए हुए तमाम, एक ऐसी चिरंजीवी योजना जो आज पूरी दुनिया में सराही जा रही है। 10 लाख तक का एकदम फ्री इलाज हो रहा था, अब नए बजट में 20 लाख का बजट, मतलब कितनी से कितनी बड़ी भी बीमारी हो सब फ्री में, हर आदमी हर बीमार खुश है राजस्थान के मुख्यमंत्री से। लेकिन बहुत अफसोस के साथ कहना पड़ रहा है मुख्यमंत्री साहब, आपके ऐसे चेयरमैन को आपने दोबारा बना दिया, जिसके पहले कार्यकाल में ही दाग लग गया था, करोड़ों के घोटाले के आरोप हाईकोर्ट में लग गए थे, उन सब के बावजूद आपने क्यों मौका दे दिया चेयरमैन को, जो आपकी इज्जत को मटिया मेट करने में लगा हुआ है। अब आप देखिए, इतने बड़े बुजुर्ग जो आज़ादी से पहले के हैं, आज़ादी का वो खूबसूरत मंजर भी आपने देखा है, जो पूरे हिंदुस्तान में हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे लगे थे, वो इनके कानों में आज भी हिंदुस्तान जिंदाबाद के नारे इनके कानों में गूंज रहे हैं। आज़ादी की हमारी ये पहचान, सी स्कीम की शान, अब्दुल कयूम साहब आज जिंदगी और मौत के बीच झूल रहे हैं, इसके जिम्मेदार वक्फ बोर्ड का चेयरमैन होगा। तो बहुत तकलीफ के साथ ये कहना पड़ रहा है, प्रताप सिंह खचरेवाल साहब, आप भी नहीं आए पूछने के लिए, आप तो हर दिल अजीज है, हमारी जान है, पिछली बार भी आपने हमारी मदद की है। और हमारा पार्षद उत्तम शर्मा सिर्फ 10 कदम की दूरी पर है, और 1 बजे से भूख हड़ताल पर हमारे बुजुर्ग माँ बहने बैठे हैं, एक पार्षद के पास टाइम नहीं है। पार्षद साहब, याद रखिए, हमारे वोट पर ही जीत कर आए हैं, कल आने वाले चुनाव में क्या असर होगा हम बताएंगे। और राजस्थान के जो हमारे माइनॉरिटीज के जो विधायक हैं, 9 के 9 मेरी बात सुन लें, कल जब चुनावी मैदान में जाएंगे, राजस्थान का हर मुसलमान आपसे पहला सवाल ये करेगा कि 87 वर्ष के आज़ादी से पहले के अब्दुल कयूम साहब जिंदगी और मौत के बीच में जूझते रहे अपने मस्जिद और मदरसे की ज़मीन को बचाने के लिए, भू माफियाओं से बचाने के लिए, वक्फ बोर्ड के ऐसे चेयरमैन से जिसने पूरे राजस्थान के अंदर अधे कर दी है, मतलब पूरे राजस्थान की जो अल्लाह के नाम की जो संपत्ति है, प्रॉपर्टी है, उनको फुर्द फुर्द कर दिया है। हमारे बुजुर्गों की हमारी यही मांग है कि हमारे मस्जिद बनने की मांग नहीं है, हमें किसी विधायक MP का टिकट नहीं चाहिए, हमारी ये मांग नहीं है, हमारी सिर्फ हमारी कि हमारी कमेटी बना दो स्थानीय लोगों की, क्योंकि हमारे बुजुर्गों की देखरेख में हमेशा मस्जिद मदरसे आबाद रहे। और हमने क्या कह दिया इससे ज़्यादा, हमारे बुजुर्ग कैसे तरह से काँप रही है, माँ बहनें भूखी मर रही है। मैं कह रहा हूँ, राजस्थान के 200 के 200 विधायक, अगर उनमें इंसानियत है, मानवता है,
तो वो सबसे पहले कल राजस्थान के विधानसभा में हमारे इस बुजुर्गों की माँ बहनों की भूख हड़ताल की आवाज उठाए, वरना आने वाला वक्त और जमाना उनको माफ नहीं करेगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ के लोगों का दर्द जो है वो अल्फाजों में फूट पड़ा है, और इनका दर्द वाकई में इनकी मांग भी जायज़ मांग है, क्योंकि देखा जाए तो ये लोग भूख हड़ताल पर कोई अलग से चीज़ मांगने के लिए, कोई ओहदा मांगने के लिए नहीं बैठे हैं, बल्कि अपने ही मदरसे और अपनी ही मस्जिद, जिसकी पिछले 70 सालों से यहाँ के लोग, यहाँ के बुज़ुर्ग खुद हाजी अब्दुल कय्यूम साहब खिदमत करते रहे हैं, उसे ही बचाने की मांग कर रहे हैं, और उसी मांग को लेकर के पिछले 10 घंटे से ये भूखे प्यासे हैं। भूखे प्यासे के अलावा, चूँकि ये पेशेंट भी है, इनकी उमूमन तौर पर दवाइयाँ भी चलती है, वो दवाइयाँ भी इन्होंने छोड़ रखी है। आइए हम जानते हैं कि कैसा इनका स्वास्थ्य है, क्योंकि तबीयत जो है आप वो देख सकते हैं इनकी ठीक नहीं है, इसलिए मैं आपसे जानना चाहूँगा कि इनकी तबीयत कैसी है, और क्या सुबह से इन्होंने कोई दवाई वगैरह भी ली है या नहीं, इसके बारे में आप हमें थोड़ा बताएं। साहब कई साहब को 10 घंटे हो गए हैं बैठे हुए, भूख हड़ताल पर बैठे हुए हैं। इनको हमने रिक्वेस्ट भी करी, राजी जी करी कि आप इस तरह से इस ठंडी रात के अंदर यहाँ ना सोएं, घर चले जाएं, पर इन्होंने साफ सुथरी आवाज़ में मना कर दिया कि या तो मैं शहीद हूँगा या फिर मेरी कमेटी का कल ऑर्डर यहाँ से आएगा। और ये इनको अस्थमा की बीमारी है, इनको लीवर की बीमारी है, और हमने भी बीपी नापा, बीपी भी इनका लो जा रहा है। इस हालत के अंदर भी ये इस ठंडी रात के अंदर स्टैंड के नीचे यहाँ पर सो रहे हैं। इनसे कहा गया कि आप कुछ दवाइयाँ वगैरह भी ले लो, तो इन्होंने दवाइयाँ लेने के लिए मना कर दिया। और 10 घंटे का वक्त पूरा गुजर चुका है, इन्होंने ना एक घूंट पानी का पिया है, ना एक घूंट को दूध का पिया है, ना कुछ खाया है, यहाँ तक कि दवाई भी अपनी नहीं ली है। और यहाँ तक कि प्रशासन से एक भी आदमी इनकी सूद लेने के लिए नहीं आया है, और चिकित्सा विभाग से भी कोई आदमी अभी तक नहीं पहुँचा है। दिन में पुलिस वालों का एक दो आए थे, उसके बाद में अब रात को शाम को उनका भी आना जाना बंद हो गया है। हम चाहेंगे गहलोत साहब से कहना चाहेंगे, गहलोत साहब आपके राज में ये क्या हो रहा है, एक 87 वर्षीय बुजुर्ग आदमी जिन्होंने आज़ादी की लड़ाई को देखा है, आज़ादी की उस दौर को देखा है, और उन्होंने अंग्रेजों के जुल्मों को भी देखा है, वो समझाए, और आज ये इस हालत के अंदर सो रहे हैं और इनको संभालने वाला कोई नहीं है। ये सरासर जुल्म है, ये सरासर जुल्म है, ये इससे बुज़ुर्ग आदमी के लिए कल तुम क्या जवाब दोगे इस राजस्थान के लोगों को कि 87 वर्ष का बुजुर्ग अपनी एक मांग चाह रहा था, वो मांग भी क्या थी कि उस मस्जिद और मदरसे के अंदर पूरी ज़िंदगी खिदमत करते आए थे, उस मस्जिद और मदरसे को ऐसे ऐसे लोगों से बचाने की कोशिश में इतनी सी मांग है कि हमारे लोकल लोगों की कमेटी बना दी जाए, पर ये लोग कमेटी बनाने को तैयार नहीं है, इनके मंसूबे बहुत अलग हैं, ये बहुत नीचता पे उतर आए हैं। इनका मकसद मस्जिद और मदरसों की ज़मीनों को खुद बुट कर देना है, बेच देना है, और यहाँ तक कि इनमें मॉल और कॉम्प्लेक्स बनाकर इनमें दुकानें सबको अलॉट कर देनी है। इनका मकसद पूरा नहीं होगा। ये कहानी इनने तय कर लिया है कि अगर यहाँ से मैं उठूँगा तो कागज़ लेके उठूँगा, नहीं तो मेरी यहाँ से लाश उठेगी। आप हमसे गुजारिश है, मैं गहलोत साहब से गुजारिश करूँगा, आप तुरंत करवाओ से इसके अंदर कोई ना कोई कार्यवाही करें। ये बुज़ुर्ग आदमी हैं और इतनी औरतें यहाँ बैठी हुई हैं, इन औरतों का जवाब कौन देगा, इन बुज़ुर्ग का जवाब कौन देगा, इन जवाबों को इन जवानों का जवाब कौन देगा। तो जैसा कि आप देख सकते हैं, ये अब्दुल कय्यूम साहब की तबीयत भी जो है वो बताया जा रहा है कि बीपी भी इनका जो है वो लो जा रहा है, और उसके अलावा जो है ये अस्थमा के पेशेंट भी है, और सर्द हवाएं चल रही है, ऐसे में इनका बाहर टेंट में सोना मुनासिब नहीं है। लेकिन हाजी अब्दुल कय्यूम साहब हैं कि वो अपनी मांगों को पूरा करवा करके ही उठने का प्रण ले चुके हैं, और दूसरी ओर प्रशासन है जो कि गूंगा और बहरा बन करके बैठा हुआ है। क्यों, यहाँ पर एक गौर करने वाली बात ये भी है कि प्रशासन की ओर से चिड़ियाघर में रहने वाले जानवरों के लिए भी सर्दी में गर्माहट का इंतज़ाम किया जाता है, और उसी प्रशासन की ओर से एक और बोर्ड शिला के सीस्किन के अंदर महिलाएं बैठी हैं, बुज़ुर्ग बैठे हैं, नौजवान बैठे हैं, किसी तरह का यहाँ कोई इंतज़ाम नहीं है। तो आज यहाँ के इंसानों की, यहाँ के वोटर की हालत आप देख सकते हैं, एक जानवर से भी गई बीती है। तो ये एक बहुत बड़ा धब्बा है और एक बहुत बड़ा जो है कलंक है प्रशासन के ऊपर, प्रशासन की कार्रवाई के ऊपर। और भी मैं यहाँ पर जानना चाहूँगा, क्योंकि यहाँ पर खाली चेयरमैन की बात नहीं है, जिस तरह से आज प्रशासन की ओर से कुछ भी प्रतिक्रिया देखने को नहीं मिल रही है, चुनावी वर्ष है, तो मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आने वाले वक्त में इसका खामियाजा कहीं ना कहीं सरकार को भुगतना पड़ेगा, तो उसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? बेशक मैं यही कहना चाहूँगा कि ये जो प्रकरण अभी चल रहा है, हमारे 87 वर्षीय हाजी अब्दुल कय्यूम साहब जो धरने पे बैठे हैं भूख हड़ताल पे, पिछले 10 घंटे से बिना खाए पिए और बीमारी की हालत में, अगर ये इस तरह के बुज़ुर्ग अगर ये हड़ताल पर बैठ जाएंगे तो इसका खामियाजा कहीं ना कहीं इस सरकार को बहुत ज़्यादा भुगतना होगा। आने वाले कुछ वक्त में एक बड़े चुनाव हैं, आप सभी जानते हैं राजस्थान में चुनाव होने वाले हैं, कहीं ना कहीं ये छोटी सी मेजोरिटी चुनाव हार और जीत का बहुत बड़ा कारण बनेगी।
सिर्फ और सिर्फ एक तानाशाह चेयरमैन के कारण राजस्थान की एक बहुत ही प्रभावशाली सरकार के जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। कहीं ना कहीं हम अपनी ताकत अपने वोटों के जरिए इंशाल्लाह ज़रूर दिखाएंगे। और ये हाजी अब्दुल कयूम साहब की बद्दुआ अगर ये सरकार को लगेगी और इस चेयरमैन को लगेगी तो ना तो राजस्थान में ऐसी सरकार बचेगी ना कहीं ऐसे चेयरमैन बचेंगे। जैसा कि आप देख सकते हैं, एक आक्रोश है, एक विरोध है सरकार को लेकर के, वक्फ बोर्ड को लेकर के और ख़ास करके चेयरमैन को लेकर के। लेकिन यहाँ पर अभी तक कोई भी सरकार की ओर से लोगों के लिए संज्ञान लेने, इन लोगों का संज्ञान लेने के लिए या इन लोगों की तबीयत पूछने के लिए कोई भी नहीं आया है। मैं आपको इसी तरह से पल पल की खबर देता रहूँगा और आगे भी जो है आपको हकीकत से रूबरू कराता रहूँगा। दीजिए इजाज़त। अस्सलाम वालेकुम।